उत्तर प्रदेश में खाने पीने की चीजों में थूक मिलाने की घटनाएं लगातार सामने आने के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। सूबे की योगी सरकार ने खाने को गंदा किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को खुद बैठक की और सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए। खाने पीने की चीजों में थूक की घटनाओं को रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही नया कानून भी लाएगी। मंगलवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया कि खाने की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने बीते दिन दो नए कानूनों को लेकर बैठक की। पहला उत्तर प्रदेश छद्म व सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण और दूसरा थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024। इसके साथ ही यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024 को लेकर भी सीएम के अफसरों के साथ बातचीत हुई। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त आदेश दिया कि पहचान छुपाकर खाने पीने की चीजें बेचने, साथ ही मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट को रोकने के लिए जल्द से जल्द नया कानून की रूपरेखा तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून को तोड़ने वालों को जेल और जुर्माने की सजा होनी चाहिए। ऐसे अपराध को गैर जमानती मानते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने ये भी ध्यान रखने के लिए कहा कि सभी दुकानदार अपनी दुकान पर साइन बोर्ड लगाएं। नए कानून के तहत खाने की दुकानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र अपना साथ रखना होगा। गलत नाम रखने या फिर गलत जानकारी देने वालों को कड़ी सजा होगी। दुकानों में अब सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे। साथ ही कम से कम एक महीने तक की फुटेज सुरक्षित रखना जरूरी होगा।